बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टैग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हो सकता है कि आपने फिंगरप्रिंट सेंसर को कॉन्फ़िगर ना कर रखा हो, तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाइए, अनलॉक स्क्रीन में जाइए और उसके बाद देखिए कि आपने फिंगरप्रिंट सेंसर को इनेबल कर रखा है कि नहीं कर रखा है। जैसे कि दोस्तों मेरे केस में मैंने पैटर्न को तो इनेबल कर रखा है, बट यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर वाली ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं पीछे भी जाता हूँ और यहाँ पर भी मुझे फिंगरप्रिंट को सेट करने के लिए कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये जो सेंसर है ये ख़राब हो गया हो या फिर इसका कनेक्टर डिसकनेक्टेड हो। तो ऐसे केस में आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टेस्ट मेन्यू में जाके इस चीज़ का पता लगा सकते हो। आपको अबाउट फोन में जाना है अगर आपके पास Xiaomi फ़ोन है, उसके बाद कर्नल वर्जन को 1, 2, 3, 4, 5 बार टैप करना है और इसमें सर्च करना है फिंगर सेंसर टेस्ट। ऐसे दोस्तों सैमसंग के, LG के, लेनोवो के, हर किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक हार्डवेयर टेस्ट या फिर हार्डवेयर डायग्नोस्टिक मेन्यू होता है, उसमें आपको जाना है और सेंसर को टेस्ट करना है। जैसे कि इस केस में देख सकते हो कि गेट टाइप फेल्ड, तो यहाँ पर सेंसर डिटेक्ट हो ही नहीं रहा है, मतलब कि ये जो सेंसर है ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, कनेक्टर का डिसकनेक्ट होना हो सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सबसे पहले, चाहे आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है और फिर चेक करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। जैसे कि इस केस में अगर मैं अब सेटिंग में जाता हूं और लॉक स्क्रीन में जाता हूं, तो देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट सेंसर की ऑप्शन आ चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंसर है वो सही से वर्क ना कर रहा हो और आपका फ़ोन उसको रिजेक्ट कर दे, तो ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रीस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro के साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही थी कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने रीस्टार्ट किया और अब फिंगरप्रिंट सेंसर इनेबल हो गया है। और अगर मैं अब इसको सेट करने की कोशिश करूँ तो ये सेट भी हो जाएगा, तो अब फिंगरप्रिंट सेंसर डिटेक्ट हो गया है। और इवन दोस्तों, अगर आप अब लॉक स्क्रीन और सेटिंग में जाओगे तो आपको ऐड फिंगरप्रिंट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, और अगर आप अबाउट फोन में जाते हो और कर्नल वर्जन को 5 बार टैप करते हो और नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट को देखते हो तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का टाइप भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसको टेस्ट भी कर पाओगे। अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा सही से वर्क नहीं कर रहा है, चार्जिंग सही से नहीं पकड़ रहा, फास्ट चार्जिंग नहीं कर पा रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो पहले एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखें। अगर रिस्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दोस्तों ये टेम्परेरी फेलियर था। अगर फिर भी प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपको अपने फ़ोन को किसी अच्छे रिपेयर शॉप में ले जाना होगा। एक तरीका और भी है जिसको आप खुद कर सकते हो, आप अपने फ़ोन का बैकअप लेकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। तो कई बार रीसेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट दोस्तों अगर कोई हार्डवेयर फेलियर हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा एक स्पेशलाइज इंजीनियर को इसको दिखाएं और जो भी आगे हो वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, रीस्टार्टिंग काफ़ी अच्छी ऑप्शन है इनिशियली कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो रीस्टार्ट करके चेक करें, उसी के बाद आगे प्रोसीड करें। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।